सिराज के ऊपर ही बनाई थी ना, जब वो बहुत छोटा था। तो बच्चे तो क्यूट होते हैं, सभी बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। तो मैंने ये सोच करके मैंने वो उसकी वीडियो बनाई थी यार, चले सिराज के बहाने हो जाएं वो। तो खैर, मेरी वीडियो विलेज लाइफ के मुतालिक मेरी वीडियो वायरल हुई थी, तो फिर उसके बाद मैंने कभी सिराज को अपनी वीडियो में नहीं लाया। फिर मैं 2.5-3 साल मुसलसल विलेज लाइफ के मुतालिक, यहाँ लोगों की ज़िंदगी, यहाँ के कल्चर, यहाँ पहाड़ों में लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी मुतालिक मैंने हमें वीडियोज़ बनाता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी पसंद किया, और अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ जी कि मेरे चैनल की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, डिज़र्विंग लोग हैं, उनकी काफ़ी मदद भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे जो हो सका हमने थोड़े काम भी हमने यहाँ पे किए, तो उस बात की मुझे ज़्यादा खुशी है कि मेरे चैनल की वजह से ना मैंने अपने गांव में भी थोड़ा बहुत मैं काम कर सका हूँ। 3 साल का जब छोटा था, उस वक़्त मैंने जो थोड़ा बहुत उसकी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया था, इसी वजह से सिराज वो उस वक़्त थोड़ा वो समझ गया था ना, मतलब थोड़ा ट्रेन हो चुका था, जो अभी बड़ा होकर उसने ख़ुद से स्टार्ट कर दिया। तो ये बात थी, बाकी मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं उसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या ट्रिक यूज़ किया, तो कोई ट्रिक शिक यूज़ नहीं किया जी, ना मैं इस पर यकीन रखता हूँ। तो बस सब अल्लाह पाक की करम और मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से ही ये हुआ है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि यार आपने इसकी इतनी अच्छी तरबियत की है, बच्चा बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ों से अच्छे से मिलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो ये आपने कैसे किया? तो देखिए, मैंने आपसे कहा मैं एक आम सा बंदा हूँ, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरी इतनी काबिलियत है, छोटा सा बंदा हूँ जी। बाकी बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं बहुत अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छे से बोलते हैं बच्चा, तो वो आपने कैसे उसको ग्रूम किया? तो हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने अपने फैमिली को वालों को बहुत पहले से, जब वो बहुत छोटा था उस वक्त से मैंने ये कहा हुआ था कि आप लोगों ने बच्चे के सामने कोई नेगेटिव बातें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, अच्छे अच्छे चीज़ें उसको आपने सिखानी है, बच्चे के सामने आप लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं बतानी। बस ये चीज़ें थी, ये मैंने बच्चे को अपने तरीक़े से ये मैंने सिखाया हुआ था, और कोई बात नहीं है जी इसके पीछे। मैं अभी भी समझता हूँ, अगर आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वजह होगी, ना मैं इतना तालीम याफ्ता हूँ, ना मैं इतना कोई काबिल हूँ, ना मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी इतनी अच्छी तरबियत और वायरल होना और इतने अच्छे तरीके से, बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों की तादाद में उसके चाहने वाले, इसकी वजह अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो यही समझता हूँ जी, थोड़ा बहुत जो अल्लाह पाक ने तौफीक दी थी हमें कुछ अच्छे काम करने की, शायद मुझे तो पूरा यकीन है अल्लाह पाक मेरी कोई ना कोई ऐसे अमल से खुश हुए होंगे, इस वजह से अल्लाह पाक का करम हुआ है। बाकी मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है जी, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो बाकी मुझे लगता है आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगर आप लोगों में से किसी और का भी कोई सवाल हो तो मुझसे लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।